So hello students and welcome to our channel Edu Entertainment. So students, आज हम करने वाले हैं important questions regarding board examination. So students, अगर पहले मेरी ये request करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे part 1 और part 2 जो AP के related मैंने बनाया है, अगर आपने वो video नहीं देखे हैं, तो मैं request करूँगा पहले आप वो video check out कीजिए part 1 और part 2 AP के related जो मैंने link in the I button होगा. So students, आज जो हम examples करने वाले हैं regarding arithmetic progression, वो होगा real life application of arithmetic progression. Arithmetic progression का real life application क्या होगा? उससे related कैसे questions आ सकते हैं हम अपनी ज़िंदगी में arithmetic progression का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके regarding आज हम दो question करने वाले हैं. एक question है जो मेरे हिसाब से रह गया था पहले part 2 में ही करने वाला था पर क्योंकि video बहुत लंबा हो जाता तो एक question जो है जो मुझे लगता है कि वो भी board में आ सकता है तो वो question भी आज हम करेंगे. तो आज टोटल हम इस वीडियो में तीन क्वेश्चंस करेंगे, दो रियल लाइफ एप्लीकेशन और एक जो क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है शायद 5.3 एक्सरसाइज का, तो वो भी आज हम करेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद सम जोश. हाउ इज द जोश? हाय सर. हाउ इज द जोश? हाय सर. आई सेड हाउ इज द जोश? हाय सर. सो स्टूडेंट्स, हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं. उसमें क्वेश्चन में आपने पढ़ ही लिया होगा. सो उस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो 1 टू 12 क्लासेस है, एक स्कूल है जिसमें 1 टू 12 क्लासेस है, तो पहला क्लास, एक क्लास जो है उसको तीन सेक्शन में डिवाइड करा है और जो क्लास का नंबर होगा उतने ट्रीज वो एक सेक्शन प्लान ट्री प्लांट करेगा. मतलब क्या है कि क्लास 1 के जो स्टूडेंट्स होंगे उसके थ्री सेक्शंस है तो उसका एक सेक्शन 1 ट्री लगाएगा. क्लास 1 1 ट्री, क्लास 2 2 ट्री और कब तक जाएगा? क्लास 12 तक जाएगा. क्लास 12 कितने ट्रीज लगाएंगे? 12 ट्रीज लगाएंगे और ये पर सेक्शन होगा. सो हम इसके रिगार्डिंग अब हमको कांसेप्ट पता चल गया. हमको क्या बोला है क्वेश्चन में? हमको ये बोला है फाइंड क्या करना है हमको कि हाउ मेनी ट्रीज आर प्लांटेड. सो स्टूडेंट्स, हमको ये फाइंड करना है कि हाउ मेनी ट्रीज आर प्लांटेड. वो कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले हम इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो हमको हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल उसके रिगार्डिंग हम एक एपी बनाते हैं. तो हम उससे आइडिया आपको आ ही जाएगा कि हमको कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन. बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ अटपटा नहीं है. रियल लाइफ एप्लीकेशन है तो इससे हमारा दिमाग खुलता है और हमको ये पता चलता है कि हम अपनी जिंदगी में एपी को कैसे यूज कर सकते हैं. तो रब कर लेते हैं इसको और एपी बनाते हैं ये जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसके रिगार्डिंग. सो स्टूडेंट्स, क्लास 1 का एक सेक्शन कितना ट्री प्लांट करेगा? एक ट्री प्लांट करेगा. क्लास 2 का 2 ट्री, क्लास 3 का 3 ट्रीज, तो ऐसे क्लास 12 तक जाता है. सो और एक क्लास 3 सेक्शन में डिवाइडेड है तो पहला क्लास टोटली कितने ट्रीज प्लांट करेंगे? 3, क्योंकि एक सेक्शन एक ट्री, फिर दूसरा सेक्शन दूसरा ट्री और तीसरा सेक्शन तीसरा ट्री. ठीक है, तो 3 ट्रीज पहला क्लास 1 करेगा. फिर सो स्टूडेंट्स, क्लास 2 कितने ट्रीज प्लांट करेंगे? समझने की कोशिश कीजिए. क्लास 2 तो एक सेक्शन 2 ट्रीज प्लांट करेंगे और 2 × 3 हो जाएगा हमारा 6. ठीक है, क्लास 3 3 ट्रीज प्लांट करेंगे तो 3 × 3, क्योंकि 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, तो वो हो जाएगा 9. तो आप देख रहे हैं कि 3 का टेबल हमारा फॉर्म हो रहा है. तो हमारा डी क्या है? कॉमन डिफरेंस डी से पता चल जाता है. हमारा कॉमन डिफरेंस डी है 3. तो अब आप कॉमन डिफरेंस डी समझ गए हैं तो आप हमारे एपी ऐसे 9 होगा, फिर 12 होगा. कहां तक जाएगा? कि क्लास 12 तक आएगा. पर क्लास 12 का एक सेक्शन 12 ट्रीज प्लान करेंगे. 12 × 3 क्या होता है? क्योंकि 3 सेक्शंस है तो 36 टोटल ट्रीज हो जाएंगे. तो देखा स्टूडेंट्स, हमारा एपी फॉर्म हो गया. अब हमको क्या करना है? इस एपी का सम फाइंड करना है, इस एपी का सम फाइंड करना है. तो हमारा एन क्या होगा? ठीक है, 36/3 क्या होता है? 12. तो हमारा एन क्या होगा? 12. तो ये कितने टर्म्स होंगे? 3, 6, 9, 36 जाते जाते हमारे 12 टर्म्स हो जाएंगे. तो n 12 है हमारा, d 3 है. ठीक है, अब हम हमारा फॉर्मूला पता है हमको. क्या है फॉर्मूला? कि s n इक्वल्स टू n बाय 2 a प्लस l. ठीक है, s n हमारा क्या फाइंड करना है? s 12 फाइंड करना है. मतलब 12 बाय 2 a हमारा है 3, l हमारा है 36. ठीक है, तो 6 इंटू
39 वो होगा 2, 3, 4. तो हाउ मेनी ट्रीज आर प्लांटेड, 2, 3, 4. तो स्टूडेंट्स आप इससे ये समझ सकते हैं केपी का रियल लाइफ में एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है. तो आप अपने सराउंडिंग में सोचे और इस एपी को, इस फॉर्मूला को, इस मेथड को अप्लाई करना शुरू कीजिए तो आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा. ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से. सो स्टूडेंट्स अब हम सेकेंड क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि एक स्पाइरल बना हुआ है. ठीक है, उसका जो सेंटर है स्पाइरल के वो अल्टरनेटली चेंज होते रहे, पहले ए है फिर बी है. देखो ये पहला सेमी सर्कल, पहला स्पाइरल, तो ये हमारा देखो सेंटर ए है. ये दूसरा हुआ सेमी सर्कल, तो हमारा सेंटर बी है. मतलब ये स्पाइरल को क्या है, सेमी सर्कल्स में डिवाइड किए हुए. वो समझने की कोशिश कीजिए कि ये पहला हमारा सेमी सर्कल, उसकी लेंथ क्या है, एल वन, सेंटर ए. ठीक है, ये हमारा दूसरा सेमी सर्कल, सेंटर क्या है हमारा बी, लेंथ क्या है इसकी, एल टू. फिर ये तीसरा सेमी सर्कल, फिर से सेंटर क्या है ये, लेंथ क्या है इसकी, एल थ्री. फिर ये हमारा चौथा सेमी सर्कल, देखो सेंटर बी है और हमारी ये एल फोर लेंथ इसकी हो गई. फिर ये पांचवा सेमी सर्कल, फिर से सेंटर है, इसका लेंथ हम एल फाइव बोलेंगे. ठीक है, और ये छठा से लास्ट सेमी सर्कल, और ये तो कंसेक्यूटिव 13 तक जाता है. तो अभी तो ड्राइंग तो इतना ही कर सकते हैं अपन, एग्जांपल्स के लिए समझ रहे हैं ना. तो अब ये लास्ट सेमी सर्कल का क्या हमारा सेंटर है, बी है, तो इसका लेंथ जो है वो है एल सिक्स. तो देखो ये जो स्पाइरल है उसको सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर, क्योंकि हमको ये सर 13 कंसेक्यूटिव ये सर चक्कर घूमता ही रहेगा, और हमको वो स्पाइरल जो होगा जो बनेगा 13 कंसेक्यूटिव चक्कर से, उसकी हमको लेंथ फाइंड करनी है. कैसे फाइंड करेंगे कि हमको सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर रहा है, उसका लेंथ L1, L2, L3, L4, L5, L6 पे जाते 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 रहे, लास्ट हमारा चक्कर होगा, लास्ट यहाँ पे आके खत्म होगा, और उसकी जो लेंथ होगी वो सारे प्लस होके हमारा क्या हो जाएगा, हमारों को हमको ये स्पाइरल की टोटल लेंथ मिल जाएंगी. तो देख रहे हैं कि रियल लाइफ एप्लीकेशन कितना अच्छा है. अब इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रखने के लिए जरूरी क्या है कि हमारा आर जो है वो है एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, आर जो हमारी सीरीज हो वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो देखो पहले सेमी सर्कल का रेडियस का है 0.5, दूसरे सेमी सर्कल का ये वाला ए वन, फिर 1.5, फिर 2, 2.5, ऐसे जाता ही रहेगा. ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो हमको पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल की फॉर्मूला क्या है, सर्कल की है 2πr सर्कमफेरेंस की, पर हमारा सेमी सर्कल इसलिए हमारा सिर्फ हो जाएगा पाई आर. ठीक है, अब देखो हमारा ये सीरीज बन गई है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की. देखो 0.5, फिर 1, फिर 1.5. हम चाहते तो पाई भी यहाँ पे जोड़ के ये L1 हो जाता, पाई हम जोड़ देते 0.5 से, तो हमको पहले सेमी सर्कल की लेंथ मिल जाती, तो उससे भी कर सकते हैं, पर वो कॉमन ही है, सब में पाई ही लगने वाला है, तो वो डालने की जरूरत नहीं. यही सीरीज का आप इस्तेमाल करके आप लेंथ ऑफ द स्पाइरल फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा कब तक जाएगा, कहां तक जाएगा, हमारा n क्या है, 13 कॉन्सिक्यूटिव लिखा है ना, तो हमारा n है 13. ठीक है, अब क्या होगा, देखो कि हमको लास्ट टर्म फाइंड करना है. ठीक है, तो a 13 क्या होगा हमारा, कि a है 0.5 प्लस n माइनस 1, n क्या है हमारा 13 माइनस 1, d क्या है हमारा 0.5, क्योंकि 1 माइनस 0.5 0.5 होता है. ठीक है, तो हमारा 0.5 प्लस ये हमारा हो जाएगा 12 इंटू 0.5. ठीक है, तो 0.5 प्लस 6, क्योंकि ये 1/2 होगा. ठीक है, तो 6.5 सेंटीमीटर, तो लास्ट टर्म हमारा आ जाएगा 6.5. अब क्या करेंगे कि एस 13 फाइंड कर लेंगे. ठीक है, इसको रब आउट कर लेते हैं, इजी है क्वेश्चन, कुछ हार्ड नहीं है. एस 13 फाइंड करेंगे, एस 13 फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, के हमारा हो जाएगा n बाई टू, मतलब 13/2 a प्लस l. ठीक है, आपको ये फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करनी है तो दूसरी वाली फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो 13/2 0.5 प्लस 6.5, ये 5 होगा, विच इंप्लाइज 13/2 इंटू 7. ठीक है, अब हमारा ये तो रेडियस है. ठीक है, तो हमको तो फाइंड करना है सर्कमफेरेंस, तो इसको सिर्फ पाई से मल्टीप्लाई कर देना है 22/7. ये 7 कैंसल, ये 2 1 जाए 11, 11 टू 13 होता है 143 सेंटी
तो लेंथ ऑफ द स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर। आप इसके बजाय भी एक मेथड है कि क्या करेंगे कि आप इंडिविजुअली सब रेडियस में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 0.5 इंटू 22 बाई 7, फिर 1 इंटू 22 बाई 7, तो आपकी वो जो सीरीज बनेगी वो सीरीज को भी आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको डायरेक्ट 143 मिल जाएगा। पर उसके बजाय तो ये इजी है कि इंडिविजुअली करो, उससे अच्छा है कि आप ये फॉर्मूला लगाओ, ये जो सीरीज है उसको, और एंड में 22 बाई 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है कि हमको एस एन दिया हुआ है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या है ये फंक्शन है, 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, a1, a2, a3, a10 और an फाइंड करना है। कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ये कुछ इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। हम पहले s1 फाइंड करेंगे, तो n के बजाय 1 रखेंगे, तो 4 माइनस 1 तो वो हो जाएगा 3। अब आपको पता होना चाहिए कि s1 जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी होता है। ठीक है, तो इससे हमको a मिल गया है। a क्या है हमारा, 3। ये सॉरी a1 नहीं होगा, ये a होगा। ए बोलो ए वन बोलो इक्वल्स टू ए वन भी लिख लेंगे तो ज्यादा कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है ए टू। और आपको रिमार्क्स में एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए एन जो होता है वो होता है SN-SN-1। ये फॉर्मूला गोल्डन फॉर्मूला है, आपको टेक्स्ट बुक में रिमार्क्स में ये फॉर्मूला दी हुई है। ये क्या है, कैसे आया, बहुत अच्छा, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। जितना जैसे एक सीरीज ये 3, 6, 9 जो हमने पहली वाली सीरीज की करी, अब हमको पता है कि S1 हो जा वो होगा 3 होगा। ठीक है, S2 क्या होगा कि 6 प्लस 3 हमारा 9 होगा। अब हमको मुझे A2 फाइंड करना है, तो A2 फाइंड करूंगा तो मैं 9 माइनस 3 करूंगा तो मुझे 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो SN-SN-1 तो ठीक है आपको AN मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट से ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, पर ये बहुत काम का फॉर्मूला है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया है 2019 में, ऐसा ही टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमको A2 फाइंड करना है। A2 तो क्या होगा, S2 माइनस S1। S1 तो हमारे पास है 3, S2 फाइंड कर लेते हैं। S2 क्या होगा हमारा 4n, मतलब 4 टू 8 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब वो जाएगा हमारा 4 माइनस 3, तो A2 हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम ऐसे ही A10 फाइंड करेंगे। A3 तो आप फाइंड कर ही सकते हैं, A10 कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा हो जाएगा S10 माइनस S9। ठीक है, अब S10 फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। S10 क्या होगा, 4 इंटू 10 40 माइनस 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 60। ठीक है, और हमारा S9 क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा S9 होगा 4 9 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81, और 81 माइनस 36 कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 7 11 मतलब ये 5 मतलब ये 4 45 माइनस 45। ठीक है, तो हमारा A10 क्या बनेगा कि माइनस 60 माइनस ऑफ माइनस 45। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तो ठीक है माइनस 60 प्लस 45 विच इज इक्वल्स टू माइनस 15। ठीक है, अब हमको लास्ट में क्या फाइंड करना है, ए एन फाइंड करना है, तो वो भी फटाफट से कर ही लेते हैं, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ए एन फाइंड करना है, उसकी फॉर्मूला क्या है, SN-SN-1। ठीक है, तो एस एन क्या है, 4n-n2। अब माइनस एस एन माइनस वन मतलब एन की बजाय एन माइनस वन पुट कर लेना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, माइनस एन माइनस वन द होल स्क्वायर। ठीक है, इसको यहां से शुरू कर लेना, तो 4n-n2। ठीक है, माइनस ऑफ ये हो जाएगा 4n-4 माइनस ऑफ n2 माइनस 2n+1। ठीक है, अब इसको फुल ओपन कर लेते हैं, तो 4n-n2 माइनस 4n प्लस 4। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस प्लस एन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस 2n, माइनस माइनस प्लस और ये सॉरी माइनस 2n होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 और माइनस 1 बाहर आ जाएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये n और एन स्क्वायर गया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4n-4n भी गया, तो हमारा लास्ट क्या बचा कि 5 4 + 1 5 - 2n an equals to। तो देखा ये कितना इजी सम था, ये भी बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, पर ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि an is equals to SN-SN-1। ये आपको फॉर्मूला पता है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर ही लेंगे। सो स्टूडेंट्स,
ये हमारे तीन एग्जाम्पल आज के वीडियो के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आखिर में जरूर बोलूंगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा मैंने टारगेट रखा है #100 सब्सक्राइबर्स। तो स्टूडेंट्स आप ही है जो मुझे वो 100 सब्सक्राइबर्स के, अभी हमारे 70 है तो और 30 मुझे चाहिए 100 के लिए। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम 100 तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे हेल्प करेंगे 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए। थैंक यू।